चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV, जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। LIRAP यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलोरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊँचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4×2.4 किलोमीटर कर दिया गया।